बहुत दिन हो गए थे मैंने व्लॉग डाला ही नहीं है। खुशी भी बहुत बड़ी है, इसका टाइम गया ना बहुत ख़राब गया है। अभी मैं कर रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी, तो मैंने रात को ही चने भिगो के रखे थे, अभी उनको बनाने जा रही हूँ। उसके बाद ही बनाऊँगी चाय, पहले इनको उबालने के लिए रखूँगी। अभी मैंने चाय चढ़ा दी है और चने भी उबलने के लिए रख दिए। टाइम अभी 6 बज गए हैं तकरीबन पूरे पूरे सुबह के, और अभी ना अंधेरा काफ़ी अंधेरा बाहर। वैसे तो मैं थोड़ा और जल्दी उठी थी, लेकिन जो है व्लॉग मैंने थोड़ा लेट करके शुरू किया क्योंकि देखिए कितना अंधेरा है अभी, सब लोग सो रहे हैं, आज तो कोई भी नहीं उठा है, सब जगह लाइटें चालू हैं। सामने वाले ये सामने वाली बिल्डिंग में इस तरफ, और इधर तो बंद है अभी सारी। अभी तो मॉर्निंग वॉक वाले लोग भी नहीं उठे हैं, ये देखो नीचे कोई नहीं है। आजकल ना वैसे ठंड तो नहीं है इतनी ज़्यादा, अभी भी मैंने हाफ स्लीव पहना हुआ है, लेकिन कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कपड़े 2 दिन लग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर धूप ना बिल्कुल भी नहीं आती है। और उस वाले घर में ना, वहाँ पे अभी भी क्रिसमस की लाइटें चालू हैं, न्यू ईयर क्रिसमस की। देखिए आजकल ऐसा ही चल रहा है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। अजीब ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। व्लॉग भी काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है मेरा, मैंने न्यू ईयर पे बनाया था, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और आज मैंने शुरू किया है, तो देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है और इसको मैं कब तक अपलोड करती हूँ। अभी चाय पीनी है और उसके बाद फिर जो बाकी के घर के काम है वो सब करूँगी। बस यही है मेरा, मेरे से मतलब बोला भी नहीं जाता है कभी कभी, तो ऐसी हालत हो जाती है ना कि कुछ आजकल ना आर ओ में से भी बहुत आवाज़ आ रही है। ये देखिए कितनी आवाज़ आ रही है इसमें से, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इसमें से, और मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती हूँ मैं। कोई बातें ऐसी होती हैं कि अंदर 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 चलती रहती हैं और बहुत मुश्किल होता है उनको बोलना। लाइफ एकदम ऊपर जा रही थी और फिर एकदम से नीचे धड़ाम करके गिरती है, बहुत बुरा लगता है, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लाइफ ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत कठिनाइयाँ, मुश्किलें, परेशानियाँ, डिप्रेशन, लाइफ वैसे ही चलती जाएगी चलती जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जब नीचे गिरता है इंसान तो बहुत बुरा लगता है, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे संभालना। बर्तन वगैरह वैसे ही मेरे सारे लगाऊंगी, जो रात के मेरे बर्तन थे ना ये देखिए थोड़ी देर बाद लगाऊंगी क्योंकि सब लोग सो रहे हैं तो काफ़ी आवाज़ आएगी, थोड़ी देर बाद लगाती हूँ उनको।
चाय देंगे, उसके बाद फिर ये सारे घर के काम जो है वो सब खत्म करूँगी। यहाँ देखिए सब सामान है, सही है। उस तरफ भी पूरा बिखरा पड़ा रहता है आजकल, तो घर के काम भी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं हो पाती है, और बस चल रही है लाइफ। चलिए खाना बना लेती हूँ, सास ने थोड़ा जो है चने तो मैं उबलने के लिए रख दिया है, तो उसके लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर रोटी वगैरह नाश्ता बनाऊँगी, सब काम बाकी है। मम्मी आए थे तो मतलब ऐसा सोचा था कि बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूँगी उनके साथ, पूरा दिन भर बातें करेंगे, घूमेंगे, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है लाइफ में ना, तो सब कुछ ऐसे ही रह जाता है उस टाइम पे। आजकल तो ऐसा है ना कि ब्लॉग बनाने की भी मन नहीं होता है, कैमरा मैंने उठाना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। और पहली तारीख के बाद आज जो मैंने कैमरा उठाया, वो भी परेशान हो जाते हैं हमें देख देख के ना, बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है व्लॉग करने का, बिल्कुल भी इच्छा जैसे नहीं हो रही है, क्योंकि मूड ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये व्लॉग जाएगा, तो मन बिल्कुल भी नहीं है। आजकल मौसम भी ऐसा ही है, हल्की हल्की ठंडी हो गई है यहाँ पर, और ये देखिए धूप भी नहीं है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, बादल हो रखे हैं, कल परसों तो हल्की हल्की सी बारिश भी हुई, कपड़े वगैरह धो के रखे हुए सब, वैसे तो सूख जाते हैं, इतना वो नहीं है, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा नहीं आती है इस तरफ, ये जो फ्लैट है ना इसमें इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती है, बस ऐसा ही आजकल मन ना बिल्कुल भी नहीं करता है ब्लॉग करने का, तो बस कुछ टाइम से ना ऐसा चल रहा है माहौल घर का, और लाइफ भी कुछ ऐसी चल रही है कि मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं उस चीज़ को।
अभी थोड़ा बेटर है वैसे पहले से, लेकिन पहले जैसा तो नहीं है अभी। बहुत अजीब सी सिचुएशन चल रही थी लाइफ में, लेकिन चलिए जो भी है। अरे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, कहाँ चले गए हो। एक तो बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था मुझे, दीदी आप कहाँ चले गए हो। तो गई तो कहीं नहीं, यहीं पे ही हूँ, लेकिन बहुत दिन हो गए थे मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं है और कोई अपडेट भी नहीं डाला। मैंने कम्युनिटी पे डाला था कि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से नहीं डाल रही हूँ ब्लॉग, तो वही आने वाले दिनों में ज़रूर बताऊँगी आपको। हाँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि खुशी भी बहुत बड़ी है, पर अरे जो बीच का टाइम गया ना बहुत ख़राब गया है, लेकिन चलिए अभी थोड़ा बेटर है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब खुशी भी बहुत बड़ी वाली है। आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।